हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एड शार्पनर प्रोडक्शन। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं जब लोग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, गेट की, यूपीएससी या फिर कोई भी फलाना डिमाका एग्ज़ाम्स, और उसके बाद भी जब वो कुछ एजुकेशन ले रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, उसके बाद भी एक बहुत बड़ी गलती ये होती है कि वी डू नॉट लर्न टू से नो एज स्टूडेंट्स। इंडिया में बहुत है फेस्टिवल्स हैं, कई सारे फैमिली फंक्शंस होते हैं, पार्टियाँ होती है, शादियाँ होती है, शादियाँ तो भाई बहुत ही बड़ी चीज़ है। और इन सब जगह पे यंगस्टर्स, आप जैसे स्टूडेंट लोग एक्सपेक्टेड होते हैं कि क्योंकि आपको डांस करना है, आपको बैगें उठानी है, आपको मदद करनी है, आपको मैनेजमेंट करना है, लेकिन वी डू नॉट लर्न टू से नो। हमारे आसपास हम कई सारे लोग ऐसे देखते हैं कि जो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और गेट की प्रिपरेशन वो नहीं कर पाते, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर पाते, या फिर उनका अगर आईआईटी में, अगर आपका एमटेक चल रहा है, अगर आपको पता है कि आपकी 2 महीने में एग्ज़ाम है और आपको अभी कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा फैमिली फंक्शन है आपके यहाँ पे, रिलेटिव्स तो बहुत है, इंडिया में तो कल्चर ही है, तो आपको जाना पड़ेगा। आप टिकट बुक करके जाओगे, वापस आओगे और आपके क्लासेस मिस हो जाएंगे। मेरे हिसाब से मैं इस एटीट्यूड का हूँ कि आपने ना कहना सीखना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन ठीक हो जाती है, यू स्टे ऑन ट्रैक, और आपका जब करियर आप बिल्ड कर लेते हो ना, तब आप सभी को प्राउड करोगे। लोग ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा अगर नहीं बोल देंगे तो रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो रियल रिलेशनशिप्स होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं एक दूसरे के। तो बस वो मेरे शादी में नहीं आया है या फिर वो मेरे पार्टी में नहीं आया है, इस वजह से अगर नाराज़ होने वाले लोग हैं तो उनको अवॉइड ही करना अच्छा है। मैं ये मेरे घर पर भी बोलता हूँ हमेशा, मैं भी बहुत सारे काम करता हूँ, मैं घर पर रहता हूँ तो वो लोग मेरे को इन्वाइट करते रहते हैं, यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे आ जाओ, खाना खाने आ जाओ, या फिर ये करने आ जाओ, वो करने आ जाओ। तो मैंने क्लियरली बोल रखा है कि भाई नहीं, मैं ना ही बोलूँगा हर किसी को। हर किसी को मतलब एटलीस्ट यू शुड प्रायोरिटाइज, स्पेशली अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगेगा कि अरे यार, बहुत मेरे घर का फंक्शन है, इस शादी में मैं अगर नहीं जाऊँगा तो कौन काम करेगा, बैगें कौन उठाएगा, मैनेजमेंट कौन करेगा, जस्ट इमेजिन अगर आप नहीं होते तो शादी तो रुकेगी नहीं ना। शादी नहीं रुकेगी तो वो काम कोई ना कोई तो ज़रूर करेगा, और उसके लिए कई सारे रिप्लेसमेंट्स हैं, लेकिन आपकी गेट की प्रिपरेशन करने के लिए कोई जैसे रिप्लेसमेंट नहीं है। आपका आईआईटी में एमटेक का काम करने के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपका रिसर्च करने के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और ये सारा फैक्टर हम कभी कंसिडर ही नहीं करते। हम प्रिपरेशन सही से करते हैं, टेस्ट सही से लगाते हैं, एकदम बढ़िया पढ़ते बढ़ते, लेकिन ये जो कुछ फैक्टर्स होते हैं ना, जो हमारे आजू बाजू से आके हमें डिस्ट्रैक्ट करवाते हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, करते और कर पाते कभी कभी। अपने हाथ में कंट्रोल लो, बोल दो, सोशल मीडिया पे डाल दो, एक बार सबको दिख जाए कि मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं किसी शादी या फंक्शन में नहीं आऊँगा, एटलीस्ट गिव मी दैट स्पेस, और लोग आपको देंगे, एटलीस्ट अनाउंस दैट, यू विल बी लाइक वंडरिंग कि क्या लोग सपोर्टिव रहेंगे। हाँ, लोग सपोर्टिव होते हैं एंड दे विल सपोर्ट यू। इतना ही मुझे इस वीडियो से आपको कहना था, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखो, ठीक है, ना बोलना सीखो, फालतू के कामें मत करो, जैसे मतलब टाइम वेस्ट, चल दोस्तों के साथ चाय पीने चले गए, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले गए, बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चले गए, जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, प्रायोरिटाइज करो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम पास मत करो, ठीक है। और ऐसे फंक्शंस भी अवॉइड करो, फंक्शंस में आपके कई सारे दिन चले जाते हैं। घर पर भी फंक्शंस जितने कम ऑर्गेनाइज हो सके, अगर कंट्रोल में हो तो उसके लिए भी ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे नहीं पता आप कितना एग्री करोगे इससे, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है अगर आप ठीक से आपका टाइम नहीं दे पाते चीज़ों को। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगा। ऑल्सो एडिशनली मैं डिस्क्रिप्शन में अभी टेलीग्राम लिंक डाल रहा हूँ चैनल की, एक जहाँ से मैं कुछ अपडेट्स शेयर करते रहूँगा। मैंने देखा कि लाइव सेशन का नोटिफिकेशन कई सारे लोगों को नहीं जाता है, एंड देन पीपल आर आस्किंग कि क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं आपके साथ, तो आई एम शेयरिंग अ टेलीग्राम ग्रुप लिंक एंड टेलीग्राम चैनल लिंक, एंड एज वेल एज मेरा इंस्टाग्राम का भी डाल रहा हूँ, फेसबुक पेज का भी डाल रहा हूँ। ईमेल का मैं नहीं शेयर कर सकता क्योंकि ईमेल पे मेरे ऑलरेडी बहुत सारा क्लटर है, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो जुड़े रहना चैनल के साथ भी, और हम एक्सपांड भी कर रहे हैं हमारा जो भी कनेक्शन है आजू बाजू, एंड वी विल सी यू सून विथ अनदर वीडियो। टिल देन कीप योर प्रिपरेशन, कीप योर हसल ऑन, और ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए। टाटा।